हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया होगा, अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर लिया होगा। अब हम फंडामेंटल थ्योरम के बेस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम हर वीडियो में अब एक नया पैटर्न लेके आएंगे इंटीग्रेशन का, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, कि जब हमको प्रतिस्थापन का जरूरत पड़ता है तो किस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के द्वारा निश्चित समाकलन, कि हम प्रतिस्थापन से कैसे निश्चित समाकलन करते हैं। तो यहां हम एग्जांपल लेके इस पर बात करते हैं। देखिए, सपोज आई इक्वल टू, एक क्वेश्चन हमने लिया एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स फ्रॉम टू टू थ्री, लिमिट है टू टू थ्री। ओके, देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा कि सीधा सीधा हम क्या करते थे, उसको इंटीग्रेशन कर देते थे। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन यहाँ पर जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये फंक्शन जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, उतना आसानी से फंक्शन हो इंटीग्रेशन होगा नहीं। नेचुरली आपने पीछे इंटीग्रेशन में पढ़ा है, रिविज़न किया होगा। तो यहाँ पर हम जब तक प्रतिस्थापन नहीं करेंगे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और आपको इस तरह से क्वेश्चन आपने बहुत से बनाया है, तो प्रतिस्थापन क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी सपोज किया जाए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के बनाने का दो तरीका है। मैं फर्स्ट मेथड पहले आपको बता रहा हूँ, पहला मेथड, और उसके बाद हम किसी एक मेथड से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दूँ। कि सबसे पहले क्या करो, जिसको प्रतिस्थापित करना है उसको टी सपोज कर लो। नाउ पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को सपोज कर लिया टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा टू एक्स, वन का जीरो हो जाएगा, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देयरफॉर यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए, तो टू को उधर ट्रांसफ़र कर दो ऐसा, और डी एक्स को इधर। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सा किया है, ये हो गया डी टी अपॉन टू। ये तो प्रतिस्थापन हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यदि इस प्रतिस्थापन को मैं यहाँ पर रख दूँ, तो यहाँ पर जो लिमिट है, ये जो लिमिट आप देख रहे हो टू और थ्री, ये किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। और अब आप अपने क्वेश्चन को टी के रेस्पेक्ट में चेंज कर चुके हो, तो चूंकि वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक्स का लिमिट है टू टू थ्री, और अब हम अपने क्वेश्चन को एक्स के बजाय टी के फॉर्म में चेंज कर दिए, तो नेचुरली क्या होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखो लिमिट चेंज करने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहीं से मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, पहले मेथड में ये तरीका बताऊँगा, फिर दूसरे मेथड में यहाँ पर तो कॉमन रहेगा, यहाँ तक कॉमन रहेगा, बाकी जो लिमिट चेंज करना है उसके तरीके को मैं आपको जो इजी लगे उस तरीके से बनाना। तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है, टू है। तो यहाँ पर सपोज इफ एक्स इक्वल टू टू, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि एक्स का वैल्यू टू होता, तो यहाँ पर जो हमने सपोज किया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी सपोज किया है, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में लिमिट टू होता तो टी का वैल्यू क्या होता, ये हमको फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, तो एक्स इक्वल टू टू, देन ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जहाँ पर हमने सपोज किया है। तो हो जाएगा टू स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, मतलब देयर फोर टी इक्वल टू क्या हो गया, फाइव। कहने का मतलब क्या, कि जब x 2 के इक्वल था तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग t को क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ओके, इसी तरह से अपर लिमिट को रख दें, इफ x इक्वल टू 3,
यहाँ पर देखो x इक्वल टू 3 है, देन तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 6 प्लस 1 7, दैट मीन्स t इक्वल टू 7, तो t इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ पर t इक्वल टू 5 होगा। तो t का वैल्यू 5 और 7, ये दो वैल्यू मिलेगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यदि सब्सटीट्यूट कर दें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखो देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट चेंज हो चुके हैं, जब 2 रखे हैं तो 5 आया है, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 5, और जब 3 रखे थे तो लिमिट क्या बन चुका है 7, ये हो जाएगा, और सब्सटीट्यूशन को रख दो तो x dx, ये हमने x dx का वैल्यू निकाला है dt upon 2, तो 1 upon 2 कांस्टेंट को बाहर रख दिया dt, बाकी तो आप लोग को पता है सब्सटीट्यूशन का बहुत क्वेश्चन किया है आपने, और x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या सपोज किया है t, तो यहाँ पर लिख देंगे t, ओके क्लियर यहाँ तक। ये सब्सटीट्यूशन के बाद, मतलब सब्सटीट्यूशन में आप वेरिएबल को भी प्रतिस्थापित करोगे और वेरिएबल के साथ साथ उसके संगत लिमिट को, करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को भी आप क्या करोगे, चेंज करोगे, इसके बाद इंटीग्रेशन करना तो आसान है। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इंप्लाइज आई इक्वल 1/2 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, ये हमने लिख लिया log t, लोअर लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 7, 5 to 7, ओके दैट इक्वल 1/2 अपर लिमिट 7, तो हो जाएगा log 7 माइनस log 5, दैट इक्वल 1/2 log m माइनस n से log 7/5, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है, log 7/5, log 10/5 आया आंसर में, कहीं कुछ मिस्टेक, अरे सॉरी 3 का स्क्वायर 6 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, क्या सुधारो भाई इसको, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तीन दूनी 6 लिख दिया मैं, वाह बताओ कहाँ ध्यान है मेरे, ये हो जाएगा 10 upon 5, दैट मीन्स 1/2 log 2, ये आंसर होगा। ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा था वो क्या है, देखो अभी हमने क्या किया, जो सब्सटीट्यूशन किया उस सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसके लिमिट को भी चेंज किया, सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने उसके लिमिट को भी चेंज किया, ये लिमिट चेंज कर दिया। लेकिन यदि हम चाहते हैं तो लिमिट को हम इंटीग्रेशन के बाद भी पुट कर सकते हैं, मतलब ये जो सब्सटीट्यूशन हुआ इस सब्सटीट्यूशन के बाद आप इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट को वहाँ पर पुट अप कर सकते हो, ओके। तो ये पहला जो मेथड है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगा इसके आगे, देखिए यहाँ पर आप इसको ध्यान से एक बार दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले मैंने सब्सटीट्यूशन किया, फिर लिमिट को भी सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, कि आप पहले इंटीग्रेशन कर लो और पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को रखो, ठीक है। तो देखिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ना, देख लूँगा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों मेथड से मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको कंपेरेटिवली आपको पता चले कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, उसी आप, मेरे लिए तो दोनों आसान हैं। फिर मैं एक मेथड से आपको बताना स्टार्ट करूंगा, सेकेंड मेथड में पूरा क्वेश्चन को ही लिख के बता रहा हूं मैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखियो नाउ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, 2x डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2x dx इक्वल टू dt, देयरफॉर x
डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू। अब क्या करना है देखो, इसके बाद मैंने जो किया था लिमिट वो नहीं कर रहा हूँ। देयर फॉर इंटीग्रेशन, अब देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल, बिना लिमिट रखे, बिना लिमिट रखे अब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन से, ये टू और थ्री लिमिट को नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आप सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हो गया एक्स डी एस को लिखेंगे डी टी, तो वन अपॉइंट टू ये डी टी हो गया और अपॉइंट टी, दैट इक्वल वन बाई टू लाख टी, यहाँ तक लिख लो। ओके, अब देखो मैंने अभी लिमिट को चेंज नहीं किया है, देयर फॉर अब हमारा क्वेश्चन को फिर अपन क्या करो, वन अपॉइंट टू लाख टी के वैल्यू को पुट अप कर दो, मतलब टी का वैल्यू जो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस वन उसको यहाँ पर पुट अप कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये। देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, अब इसका लिमिट को पुट करो टू टू थ्री, यहाँ पर मैंने बिना लिमिट के इसको इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो जब लेफ्ट साइड में लिमिट पुट करेंगे तो राइट साइड में भी करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो वन अपॉन टू ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और लिमिट अब है क्या टू टू थ्री। देखो हमने लिमिट को चेंज किया ही नहीं, लिमिट हमने चेंज किया ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन किया। अब लिमिट को देखो, लिमिट रखने से क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा वन अपॉइंट टू लॉग लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के जगह में क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन क्या हो जाएगा टेन, तो ये हो गया लॉग टेन और माइनस लॉग, यहाँ पर देखो टू रखोगे टू टू स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, ये हो जाएगा लॉग फाइव, आया वही दैट इक्वल टू वन अपॉइंट टू लॉग टेन अपॉइंट फाइव, दैट इक्वल वन अपॉइंट टू लॉग टू, दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोनों का कंपेयर करने से कंपेटिवली आपको क्या लगता है कि पहले कंडीशन में, सुनना एक बार ध्यान से मेरी बात, पहले कंडीशन में मैंने क्या किया था, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक तो किया ही, इसके बाद लिमिट को भी हमने सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज किया और सीधा आंसर आया। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इंटीग्रेशन कर दिया, आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यू को हम टी का पुट अप कर दिए और फिर लिमिट रखे जो क्वेश्चन में लिमिट दिया था, तब भी आंसर वही आया। तो आप क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, एक बार चाहें तो आप सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट को भी चेंज कर दो, और दूसरा यदि आप चाहें तो पहले पूरा सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन कर दो और लास्ट में लिमिट को रखो, वही लिमिट जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो लेकिन मैं इसके पहले वाले तरीके से आपको सब क्वेश्चन को कराऊंगा, आप दो दो तरीके से करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, और मुझे वो पहले वाला तरीका इससे बेटर लगता है, इसलिए कि लिमिट वगैरह का चेंज होने का काम है शुरू से हो जाए, नहीं तो यहाँ पर ये एडिशनल स्टेप लिखने पड़ते हैं फिर उसी के लिए। तो आप, मेरा बताना उद्देश्य इसलिए है ताकि आपको कभी किसी दूसरे राइटर का बुक पढ़ो या कोई दूसरे टीचर से आप पढ़ो या कहीं से भी आप सेल्फ स्टडी करो और ऐसा मेथड, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर किया कि किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन हम एक तरीके को फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, और अब मैं जो पहला तरीका बताया था उस तरीके के हेल्प से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए, इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांस भी इसमें से बहुत ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूशन तो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनिट में भी और डेफिनिट में भी। एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जनरली इन्वर्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, वन टू रूट थ्री टेन इन्वर्स एक्स अपन टेन इन्वर्स एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट फ्रॉम वन टू रूट थ्री, वन टू रूट थ्री। ओके, चलिए अब तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टेन इनवर्स एक्स को टी सपोज करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये तो पता है ना, इन सब्स्टिट्यूशन में तो प्रॉब्लम नहीं, आने नहीं चाहिए। मैं रेगुलर आपको एक बात याद दिला रहा हूँ कि यदि इंटीग्रेशन आपका प्रॉपर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है, समझ लीजिए आपका, बस फटाफट क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए नाउ पुट, सब्स्टिट्यूट करें क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को हमने सपोज कर लिया क्या टी, देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर
और dx को इधर कर दिया, dx इक्वल टू क्या हो गया dt, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका लिमिट को, इफ x इक्वल टू वन, इफ x इक्वल टू वन देन ये t इक्वल टू यहाँ पर x रखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स वन, देयर फॉर t इक्वल टू tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन किसका वैल्यू होता है पाई बाई फोर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हम देखें तो 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। सेकेंड, इफ x इक्वल इसको रख दें रूट थ्री, इफ x इक्वल टू रूट थ्री देन t इक्वल टू टेन रूट थ्री, और टेन रूट थ्री किसका वैल्यू है 60 डिग्री का, 60 डिग्री मतलब पाई बाई थ्री, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो देखो यहाँ से हमको इसके लिमिट चेंज हो गया, एक बार t इक्वल टू ये मिल गया और ये मिल गया, तो जब हम लोअर लिमिट रखें तो ये मिला, अपर लिमिट रखें तो ये मिला। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो लिमिट को पहले चेंज कर दें, क्या लोअर लिमिट पाई बाई फोर, ये लोअर का वैल्यू है तो पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री, ये जो मैंने आपको बोला था यही तरीका ज़्यादा अच्छा है, पाई बाई फोर ऐसे ही बनाना मेरे हिसाब से। अब टेन इनवर्स एस को क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है, ये हो गया टी, और ये डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इज डी टी, तो पूरा क्या आ जाएगा ये डी टी, बस क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया, आगे तो कुछ है नहीं। दैट इक्वल टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपान टू पाई बाई फोर टू पाई बाई थ्री, दैट इक्वल वन अपान टू को बाहर कर लो, वन अपान टू को हम बाहर कर लें तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किसका पाई बाई थ्री का स्क्वायर, पाई बाई थ्री का स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर, ओके पाई बाई थ्री होल स्क्वायर, पहले अपर लिमिट में उसके बाद लोअर लिमिट में पाई बाई फोर होल स्क्वायर, दैट इक्वल वन अपॉन टू, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस पाई स्क्वायर अपन 16, ओके अब यहाँ से पाई स्क्वायर को मैं कॉमन कर लूँ दोनों से, तो ये दैट इक्वल ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 9 इंटू 16 एलसीएम होगा तो 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 7, तो 7 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 16 दैट इक्वल 7 पाई स्क्वायर अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पाई स्क्वायर अपॉन 228 इज फाइनल आंसर, ऐसा बनेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें, तो मेन है सब्स्टिट्यूशन। देखो तो ये भी आपको कठिन नहीं लग रहा होगा यदि आपको बार बार, ठीक है आप तो मेरे प्रीवियस वीडियो से एक बात, यदि आपका इंटीग्रेशन बनता है तो सब बन गया, सिर्फ प्रॉपर्टी वाला जो मैं लास्ट पोर्शन बताऊँगा वो अलग होगा। तो आसान है, बहुत तेज़ी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लें अपन, एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल 0 to 1 एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, 0 to 1 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो इंटीग्रेशन में इतना प्रैक्टिस करो सब्स्टिट्यूशन में कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि मुझे क्या रखना है, ठीक है। यदि ऑफलाइन क्लास होता तो मैं आपसे पूछ पूछ के ही पढ़ाता कि किसके जगह में क्या रखें, लेकिन ऑफलाइन क्लास जैसे आप मान के चलो, जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा क्वेश्चन को लिख दिया, इमीडिएट मेरे बताने के पहले आप सोच लो कि सर इसके जगह टी रखना चाहिए, फिर जो मैं बताया उससे मैच करो, ऐसी प्रैक्टिस होती है। यदि ऑफलाइन क्लास होता तो वन बाई वन आपसे पूछता मैं, चलो भाई तुम बताओ किसके जगह में हम टी रखें। तो ऑफलाइन जैसे ही इसको बिहेव करो, जैसे अब मैं क्वेश्चन लिखा आपको तुरंत खुद से सोचना है कि इसको रखना चाहिए सर, और यदि मैं उसको रखा तो फिर आप सोचो कि हाँ ठीक है, नहीं रखा तो फिर आप सोचो कि मैं गलत कैसे उसको सोचा है ना। तो समझ गए क्या रखें एक्स स्क्वायर की जगह में टी रखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो एक्स डी एक्स आएगा फिर बन जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है,
नाउ पुट आसान है और इंटरेस्टेड है बहुत, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए तो इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करिए, क्या होगा? नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया तो डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमको यहाँ पर एक्स डी एक्स चाहिए तो टू उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी अपॉइंट टू। नाउ नेक्स्ट वर्क इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट, ये तो हुआ फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो देन टी इक्वल टू, हम डायरेक्ट फटाफट लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से यहाँ पर जहाँ सब्स्टिट्यूट करके वहाँ रखते हैं तो एक्स का वैल्यू जीरो रखो, एक्स पावर जीरो मतलब वन, तो टी इक्वल टू क्या हो गया वन, एंड इफ़ एक्स इक्वल टू वन देन टी इक्वल टू, यहाँ वन वन रखें, एक्स का वैल्यू वन रखें तो वन का पावर टू, पहले तो हमने जीरो रखा था ना, अरे क्या लिख दिया मैं, एक्स के जगह में जीरो रखना है ना, यहाँ जीरो रखना है, सॉरी ये जीरो आएगा, एक्स को जीरो रखना है ना, मैं यहाँ जीरो रख दिया, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो जीरो, और एक्स इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा, तो जीरो और वन ये इसके लिमिट पुट हो जाए। अब देखो यहाँ पर देयर फॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हो गया क्या, जीरो टू वन वही है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, देखो यहाँ पर जीरो टू वन है, पहले भी जीरो टू वन था और अभी भी जीरो टू वन है। इसके बाद e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है t, तो हो गया e टू दी पावर t, और ये x dx क्या हो गया है dt टी बाई टू डी टी, और अपॉन वन अपॉइंट टू को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर टू जीरो टू वन दैट इक्वल वन अपॉइंट टू ई टू दी पावर वन माइनस ई टू दी पावर जीरो दैट इक्वल वन अपॉइंट टू ई टू दी पावर वन मीन्स e, ई टू पावर जीरो मीन्स वन, ये दिस इज आंसर e माइनस वन अपॉन टू, e माइनस वन अपॉन टू। ओके तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सब्स्टिट्यूशन का जो पहले भी सब्स्टिट्यूशन का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अभी भी वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूँ आपको, देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा लेंदी, लंबा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन ये है, 2x प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, एनसीईआरटी का दो क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन को कराने का मतलब नहीं है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जीरो टू टू सिक्स एक्स प्लस थ्री, सिक्स एक्स प्लस थ्री जीरो टू टू, जीरो टू टू सिक्स एक्स प्लस थ्री और अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, देखो सिक्स एक्स प्लस थ्री अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, अभी तो इंटीग्रेशन सीधा है इसका हो नहीं सकता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, 6x के अपान और 3 के अपान इसको दो पार्ट में अपन तोड़ लेंगे, दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू, ये दो क्वेश्चन बन जाएगा, पहला 0 टू 2 इसके अपान दैट मीन 6x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्चुअल में ये लेंदी इसलिए है क्योंकि दो क्वेश्चन बन गया समझ लो, और दूसरे पार्ट को हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 0 टू 2 और 3 अपान, 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ऐसा होगा, तो ये दो क्वेश्चन इसको मान के चलो, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, अब कुछ दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले इस पैटर्न के क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद एक को आई वन सपोज कर लो, एक को आई टू सपोज कर लो, अब इफ सपोज ये आई है, इसको हमने सपोज कर लिया आई वन और प्लस इसको सपोज कर लिया आई टू रिलेशन नंबर फर्स्ट, अब एक बार आई वन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक बार आई टू का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, सिंस आई वन इक्वल टू हमने सपोज कर लिया जीरो टू टू 6x एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ये कैसा है इंटीग्रेशन होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्स स्क्वायर
प्लस 4 को सपोज कर लो क्या t, तो यहाँ पर 2x dx इक्वल टू dt, तो 6x है, यहाँ पर 6x है, तो अभी से चाहो तो दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x dx इक्वल टू क्या आएगा 3dt, दोनों साइड में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 6x चाहिए, इसलिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट को पुट कर दें अपन, क्या इफ़ x इक्वल टू 0, इफ़ x इक्वल टू 0, देखो लिमिट को मैं साथ ही साथ चेंज करते जा रहा हूँ ना, तो x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 होगा तो उस कंडीशन में t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एंड सेकंड इफ़ x इक्वल टू 2, इफ़ x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, सॉरी 2 की स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा ये 8, तो लिमिट ऐसा चेंज हो गया। इस तरह से यदि हम अब क्वेश्चन को चेंज करें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 8 6x dx का हो जाएगा 3dt, 3 बाहर लिखा ये dt और अपन x स्क्वायर प्लस 4 को हमने सपोज किया है t, ओके दैट इंप्लाइज I1 इक्वल 3, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t 4 to 3, ये हो गया log t, लोअर लिमिट इज 4 to 8, ये I1 इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 8 माइनस log 4, देयरफॉर I1 इक्वल टू 3 log m माइनस एक ln m अपॉन n तो 4/8, तो I1 इक्वल टू जाएगा 3 log 2, ये हो गया रिलेशन नंबर सेकंड। रिलेशन फर्स्ट हमने मतलब हमने I1 का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इसी तरह से I2 का वैल्यू है इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों वैल्यू को फिर एक साथ पुट अप कर देंगे, ओके। तो आसान है कुछ नहीं इसमें भी, नेक्स्ट पेज ले लूँ 0 to 2 3/x² + 4, I2 इक्वल टू 0 to 2 क्या है सेकंड पार्ट 0 to 2 3/x² + 4, 3 तो बाहर है ना, थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, एक बार देख लें कहीं फिर मिस्टेक हो जाएगा, 3/x² + 4 0 to 2 0 to 2। चलो अब इसमें तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन का आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों, ये डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ टी वगैरह सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे 3 को मैं बाहर कर दूँ तो हो जाएगा 0 to 2 3x नहीं है, सॉरी तभी सोच रहा हूँ मैं क्या लिख लिया है, 3 है, x रहता तब तो इसका मेथड ही बदल जाता, ये x नहीं है ओनली 3 है, 3 बाहर कर दिया तो 1/5 इसको लिख सकते हैं x² + 2² dx। अब tan इनवर्स x के फार्मूला में आ गया तो दैट इक्वल ये हो जाएगा 3 और इसका फार्मूला होता है 1/a, तो 1/2 और tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर x का वैल्यू x और अपान ये और 0 to 2, इसके बाद हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो 3 1/2 tan इनवर्स अपर लिमिट 2/2 और माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा 0, tan 0 0 होता है, ये हो जाएगा तो दैट इक्वल मतलब I2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 3/2 tan इनवर्स 2/2 क्या हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 को हम π/2 लिख सकते हैं, आंसर में क्या दें एनसीईआरटी के, tan इनवर्स 1 को हम π/4 लिख सकते हैं, 3π/4 लिख सकते हैं इसको, ऐसा इस फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है लेकिन π/4 का वैल्यू है तो 3/2 ये हो जाएगा π/4, दैट मीन्स 3π/8, ये रिलेशन नंबर 3। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या सपोज किया था I=I1+I2, तो I=I1 का वैल्यू हम प्रीवियस पेज से देखें ये I1 का वैल्यू 3 log 2
थ्री लॉग टू और प्लस लॉग टू का वैल्यू ये हमने निकाला है 3π/8, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये देखो 3log2 + 3π/8 ये हुआ। तो आप अब समझ रहे होंगे कि इसके किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं और बता दूं, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगे कि और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे बताना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में भी सब्सटीट्यूशन ही लेके आऊँगा, और यदि आपसे हो जाता है देखूंगा और किस तरह वैरायटी के क्वेश्चन एक बार मैं जो बताने लायक हूँ आपको। बाकी तो आप समझ रहे हैं, अब थोड़ी देर में आप बोर हो जाएंगे, वही वही काम हो रहे करके। इसमें है कुछ नहीं एक्चुअल में। इसको डिफिकल्ट सिर्फ उसी को लगता है जिसको सब्सटीट्यूशन नहीं आता है। भाई सब्सटीट्यूशन का आपने पीछे बहुत क्वेश्चन बनाया है, अब लिमिट तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं, आप बहुत फटाफट तेज़ी से कर लो। आपको लगता है ना इतना सा बचा है, वो केवल पेज गिनने के लिए, एक्सरसाइज गिनने के लिए। सीधा अपने को प्रॉपर्टी, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न भी मैंने पहले पढ़ाया था, अब आंशिक भिन्न के द्वारा कैसे करते हैं ये, है ना। उसके बाद फटाफट हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन देख लें और कुछ अभी ऐसा स्पेशल हो, वैसी वैसी क्वेश्चन है सर। देखो एक क्वेश्चन ही टू वैसा बताया, वैसा ऐसा क्वेश्चन अभी मैं सेम टाइप क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं होता। और फिर बहुत क्वेश्चन आगे चल के सब प्रॉपर्टी से भी बनेंगे आपके, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। चलिए इसमें क्वेश्चन और बता दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन दूसरे टाइप का क्वेश्चन को लेके आपको बताएंगे। जल्दी बता दूंगा उसको भी मैं, तेजी से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के नहीं है इसमें। आई इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में आया हुआ है कई बार, हालांकि कुछ नहीं इसमें। ई टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, वन प्लस ई टू द पावर टू एक्स, सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्ड में आए हुए हैं, जबकि है कुछ नहीं क्वेश्चन में, 0 to 1। ये क्वेश्चन बहुत से बोर्ड में पूछा गया है, तो नेचुरली यहाँ से आप देख के समझ सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा अपने को ई टू द पावर एक्स को, ठीक है। नाउ पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, इसको पुट करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें अपन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी ही आएगा। अब लिमिट को पुट करें तो इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स को अपन जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो टी इक्वल टू ई पावर जीरो मतलब क्या हो गया, वन। और सेकेंड इफ एक्स इक्वल टू वन पुट करें, तो वन पुट करने पर देन यहाँ पर वन पुट करें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 0 to 1 तो हो जाएगा 1 to e, और ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर डी एक्स क्या होगा, डी टी अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स को टी पर पुट करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो इस फॉर्म में आ गया, अब ये टेन के फॉर्म में आ गया, फिर देखो फार्मूला के फॉर्म में, दैट इक्वल इसको इंटीग्रेशन करें तो 1/a, a का वैल्यू तो 1 है तो 1/a मतलब नहीं है, सीधा हो जाएगा ये टेन इन्वर्स x/a, उसका वैल्यू क्या है t, तो लिमिट को पुट कर देंगे 1 to e, दैट इक्वल लिमिट पुट करें तो tan inverse e - tan inverse 1, और इसको लिखा जा सकता है tan inverse e - π/4, ऐसा आंसर होना चाहिए। क्या आंसर दिया है, tan inverse e - π/4, ये है इसका आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए आया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहला तो ये कि सब्स्टिट्यूशन का मैटर ये आपको रखने का, दूसरा यहाँ फिर टेन का कॉन्सेप्ट फिर यूज हो जाता है, तो ये इस पर बेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, क्लियर। तो ये जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका आप प्रैक्टिस करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे सब्स्टिट्यूशन वाले आसानी से बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आंशिक भिन्न में, ये करने के बाद सीधा हम प्रॉपर्टी में आएंगे। बहुत जल्दी ये दोनों वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा के हम प्रॉपर्टी में थोड़ा अच्छे से टाइम देके और मेहनत करके आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, इम्पॉर्टेंट भी है, और एग्ज़ाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा वहीं से है। ओके ओके, थैंक यू।